तो लीजिए, आखिर कांग्रेस भी भाजपा की राह पर आ ही गई। चुनाव के पहले देश और प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेसियों की मान लें तो भविष्य के प्रधानमंत्री राहुल गांधी का आज जन्मदिन है। इस बात में दोहराए नहीं कि लगातार चुनाव हारने के बाद भी सच्चे कांग्रेसियों के मुंह से उफ नहीं निकला और अपने नेता यानी कि राहुल गांधी पर भरोसा कायम है। इसका प्रमाण आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिला। दरअसल आज पीसीसी में राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम के साथ एक अलग अंदाज में मनाया गया। जिस सभागार में बैठकर अक्सर कांग्रेसी प्रवक्ता मीडिया को संबोधित करते हैं, आज वहां उनकी जगह 11 पंडित थे जिन्होंने वैदिक मंत्र उच्चार करते हुए राहुल गांधी का जन्मदिन मनवाया, उन्हें और पार्टी को आशीर्वाद भी दिया। ऐसे नज़ारे अक्सर भोपाल के 7 नंबर स्थित भाजपा कार्यालय में दिखाई दिए जाने की उम्मीद की जाती है, पर पीसीसी में ये नज़ारा बिल्कुल नया था। शायद मंत्रों से काम हो जाए, दान पुण्य से वोटों का ग्राफ भी बढ़ जाए। राहुल गांधी जब ये तस्वीर देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। गुजरात चुनाव में वो कई बार मंदिरों में नजर आए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस अंदाज में उनका जन्मदिन मनाकर एक नया खाका तैयार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस तीर का निशाना कितना सटीक बैठ पाता है। यही तो है राजनीति। उफ ये राजनीति, उफ ये कांग्रेस।